चाहेंगे आपको और बोलना चाहेंगे आप बहुत सुंदर लग रही हैं. थैंक यू जस्ट यू नो दिस इज जस्ट यू नो आई जस्ट नीडेड दिस बिकॉज़ आई एम सो नर्वस एंड आई गॉट दीज नॉट बटरफ्लाइज मैं बोलती हूँ बटरफ्लाइज का झुंड इन माई स्टमक एंड आई डोंट नो वेदर आई एम कमिंग और गोइंग आई एम जस्ट टू नर्वस एट द मोमेंट. ओके बेटी की शादी है कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर पे और यू नो क्या फीलिंग है उसके बारे में थोड़ा जानना यू नो बिफोर आई से एनीथिंग एनी अदर फीलिंग आई हैव टू टेल यू दैट आई वाज शूटिंग टिल डे बिफोर नाउ दोस गाइस डोंट रियलाइज माय डॉटर्स वेडिंग एंड आई फील यू नो आई एम ऑल हेवायर फीलिंग एक्चुअली सेट इन द मोमेंट शी गॉट एंगेज्ड व्हिच वाज सम टाइम बैक and she hates me for doing this but I would cry at the drop of a hat. कोई चीज लेते थे शादी का जोड़ा लेते थे whatever I would cry because she's probably the center of my existence actually. Sir क्या कहना चाहेंगे you know being a father. I love my daughter so much. I don't know how I'm going to behave. उसको यार उधर बोलने से she's very precious. He's gonna start crying now. एक पिता के लिए बेटी का शादी बहुत नाजुक पल होता है सर. क्या फीलिंग्स आपके? बेटी है बस जाएगी वही दुख है उस चीज का और खुशी भी है कि अच्छे घर जा रही है. क्या कुछ प्रिपेरेशन आज के लिए की है क्या कुछ एक्चुअली टुडे टुडे वी डूइंग गोइंग टू बी डूइंग द टिका फॉर द ब्राइड नीचे करो एंड अगर ऊपर करो दैट्स अ पंजाबी स्टाइल वी आर डूइंग टुडे द मैरिज इज गुजराती स्टाइल बिकॉज आई हैव अ गुजराती सन इन लॉ सो हम केसर का टीका करते हैं और मुँह मीठा कराते एंड उसके बाद दारू पीते हैं और डांस करते हैं. आपकी तरफ से बेटी के लिए कुछ स्पेशल परफॉर्मेंस होने वाला है संगीत? ही मेड मी स्वेयर दैट ही इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्टी टू दिस परफॉर्मेंस वट एवर परफॉर्मेंसेज दैट वी हैव नॉर्मली यू नो द पंजाबी इज डांसिंग एंड ही टोल्ड मी इफ यू हैव दैट परफॉर्मेंस आई एम नॉट कमिंग टू एनी फंक्शन बिकॉज माई सन इन लॉ इज वेरी वेरी सिंपल गुजराती family he belongs to and like loud Punjabi he's not so such an into cutlet like all of us so ye apun ka kya usko bolte hain ki narmi wala style hai we couldn't really go anywhere over the top because we had knuckle to pull us down you're not doing this you're not doing that You won't do this. You won't make me wear embroidered sherwani. You will not make me wear that safa. You will not make me wear this. You will not make me wear that. So by the time we started, it was like the don't list was so long. More than the do list, it was the don't list. ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना. So we started with that. You know. I got little embroidery done on the neck and I was so scared that he's going to say no what are you making me wear but he also realizes that I'm a working woman and probably I may not be able to you know sometimes take care of all the details but I have a very supportive family thankfully very very supportive okay shaadi ke liye bhi kafi kam samay ab bacha hai bahut taiyariyan puri ho chuki hai taiyari to last moment tak chalti rahegi मुझे लगता है जब वो मंडप तक जाएगी तब तक हम तैयारी करते होंगे सो आई डोंट थिंक तैयारी कभी भी पूरी होती है. ओके लास्टली बेटी के लिए क्या विश करना चाहिए? वेरी कंजर्वेटिव इंडियन मदर अनलाइक हाउ आई लुक एंड हाउ आई कम अक्रॉस टू बी बस आई जस्ट विश हर टू बी हैप्पी वेयर शी इज एंड जस्ट विश हर टू हैव अ वेरी वेरी कंटेंटेड मैरिड लाइफ and that you know I have a daughter in law who's come and created a very 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 nice space in our hearts and I wish my daughter to create the same love and affection
in her in-laws like my daughter-in-law has created it. Thank you so much, ma'am. Thank you. You're welcome. अरे ये पीछे ना तेरा लाइट आ रहा है एक खोल मैम साथ में हट जा तूने वाले तेरा लाइट आ रहा एक मिनट मैम अच्छा करें हाँ ये लो तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे एंड लेट मी टेल यू आर जस्ट लुकिंग ब्यूटीफुल क्योंकि वो लड़की है तो उनको कॉम्प्लीमेंट पड़ता है ओके सो हर लड़की के लाइफ में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पल होता है या वो लड़की हो या लड़का हो तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे व्हाट्स द फीलिंग राइट नाउ It's a very, it's a happy feeling and a nervous feeling. I know I'm excited to spend the rest of my life with him, but also a little nervous because I'm leaving my house, moving into a different family, moving into a different culture. So you have your set of up and down, happiness, sadness is there. So that's the feeling right now. It still doesn't feel that it's my function. I think probably at the end of it, I'll realize that, okay, fine, I'm getting married now. For me, it's, I'm a little nervous in front of the cameras. Apart from that, I think that I am not nervous at all when it comes to the wedding. She is the love of my life. I have nothing to worry about. I'm here to keep her settled down. I'm holding her hand tighter than I've ever held it before so that she stays calm. But yeah, that's it. I'm very, very happy. It's a big step in our lives, of course, but nothing to worry about. मेहंदी लग चुकी है यू नो और बहुत ही सुंदर मेहंदी लग रही है तो थोड़ा सा कैमरा के सामने मेहंदी देखना चाहेंगे और नकुल का नाम भी ओके सो आज के संगीत के लिए क्या स्पेशल तैयारियां की हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे कोई तैयारी नहीं है इट्स जस्ट दैट इट्स गोना बी अ नाइस इवनिंग वी हैव गॉट द ढोल वाला सिंस इट्स अ सरदार पंजाबी फंक्शन We've got music, we've got good food, we've got family around. Just a nice good evening that we're going to spend together. Okay, Nakul Sangeet hai. To wife ko impress karne ke liye koi special performance hone wala hai aapki taraf se? I'll be the bartender. Okay, aur shaadi ke din nazdeek hai. To wo nervousness hai thodi si? थोड़ी बहुत बट अगेन एज आई सेड मुझे भाई हटा कीप हर नर्व्स और शादी के लिए तैयारियां पूरी ऑफ कोर्स हम लोग वी आर रेडी एफिशिएंट आप क्या कहना चाहेंगे मेंटली फिजिकली हर तरह से प्रिपेयर कर लिया है माइंड को कि हाँ अब फाइनली यू नो मॉम इमोशनल हो गई थी कि माय डॉटर हु इज और हर माँ बाप के लिए ये खुशी आई थिंक 3 दिन में मेरी मम्मी हर 30 सेकंड में इमोशनल हुई है एवरी 30 सेकंड्स सो आई अंडरस्टैंड इट इज अ डिफिकल्ट फीलिंग इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट शोइंग इट ऑफ लाइक दिस बट आई अंडर आई नो व्हाट द फीलिंग इज टू लीव माय पेरेंट्स एंड टू I'm happy, but of course you're a little sad that you're moving away from life. Okay, आज के function के लिए all the best. Thank you so much. Thank you so much. And, have a great day. Thank you. Thank you so much. Done? Good. Good. Hold on. हो गया ना? हाँ. बाकी संगीत सेरेमनी है तो क्या कहना चाहेंगे आज के इस फंक्शन के लिए मैं कहना नहीं चाहूँगा आशीर्वाद देना चाहूँगा नीलू को उनकी बिटिया साहिबा को और नकुल को जो जिससे शादी हो रही है इनको बच्चों को मेरा आशीर्वाद और कोर्स नीलू को मेरी तरफ से ढेरों मुबारक है क्योंकि नीलू मेरी बहुत पुरानी मित्र हैं मेरी कलीग है हमने कई फिल्मों में कई नाटकों में
सीरियल्स में कई कई दफ़ा काम किया है, बहुत खुशी इस बात। ओके, आप क्या कहना चाहेंगे मैम, क्या कितनी तैयारी आज के लिए करते हैं? God bless the couple and they will be happy always. खुश रहे। ओके, थैंक यू मैम। सर सर थैंक यू। तो क्या कहना चाहेंगे आज के? सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है जब आप किसी भी को एक्टर के साथ काम करते हैं, बहुत रेयर ऐसे होता है कि आपका उनके साथ बहुत ही एक रिश्ता बन जाता है। सो 2013 में हमने शो किया था शास्त्री सिस्टर्स, एंड तब से लेकर अब तक हम लोगों का अभी भी अच्छे रिलेशन है। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की, हम लोग बहुत कम मिलते हैं लेकिन हर ओकेजन पर मिलने की कोशिश करते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, उन लोगों को बहुत बहुत बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ मैं। ओके, आज के इस संगीत सेरेमनी के लिए क्या स्पेशल तैयारियाँ हैं? स्पेशल एक्चुअली पहले मैंने तो बहुत ही कुछ ब्राइट से कपड़े पहने थे, फिर मुझे एंड मोमेंट में पता चला कि फॉर्मल्स है ड्रेस कोड, तो भी मैंने ये एकदम फॉर्मल्स है ड्रेस पहना मतलब जितने भी लोग हैं, लोकेशन एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, तो देख के ही बहुत ही मेस्मराइजिंग है। ओके, पंजाबी वेडिंग गुड फूड, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैंने ओपनिंग की है आज 8 बजे का संगीत फंक्शन था, 8:10 को मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, एंड तब से हमने ड्रिंक्स खाना वगैरह सब कुछ कर लिया, बहुत मज़ा आ रहा है। ओके, लास्ट में क्या कहना चाहिए? आई नो साहिबा को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, आई विश कि उसकी लाइफ आगे बहुत ही खुश और सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से इससे ऐसे लग रहा है जैसे अपनी खुद की बेटी। बिल्कुल, एंड वो फीलिंग भी उन्होंने ऐसी ही दी, ऐसी धमाकेदार एंट्री की, दे केम इन सो ब्यूटीफुली शगन फॉर माय डॉटर, एंड आई फेल्ट सो गुड। My wife has prepared lots of things. कल हमने बड़ा हंगामा किया। मैं तो रिहर्सल कर रही हूँ मेरी डॉटर की शादी के लिए, क्या क्या करना है वो सारी मैं सब इनसे निकलवा लूंगी। By then I will be a pro. Yeah. And I'm gonna handle everything. सारे as long as it's not my daughter's wedding, I can handle it. बस वहाँ जब मेरी बेटी की बात आती है ना, वहाँ मैं ऐसे हो जाती हूँ। And how to handle, तो आधा काम इन्हीं को सौंप देना भाई, your experience now. Absolutely. And all. और वैसे भी हमारे पंजाबियों में कहावत है कि बेटियाँ सांझी होती हैं, और मेरा ख्याल है ये यूनिवर्सल फैक्ट है, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह हमारी यही फीलिंग जो है ना वो बहुत वैल्यूएबल है, स्पेशली मेरी। ओके, आपने तो बता दिया कि कल धमाल मचा लिया है, और नीलू मैम के डोंट डू लिस्ट में डांसिंग के लिए मना कर दिया गया है, तो आप लोगों की तरफ से कोई स्पेशल परफॉर्मेंस आज के दिन होने वाला है? आज के दिन सब चीज़ें सरप्राइज हैं, आप लोग अंदर आए। ओके, आज के शाम के लिए क्या स्पेशल तैयारियाँ की है, इसके बारे में भी जानना? तैयारियाँ सब नीलू जी ने की है, हम लोग तो यहाँ एंजॉय करने के लिए। अब तो लुक के बारे में थोड़ा सा लुक के बारे में, हाँ, I have lost 24 kg weight. Being a nutritionist, it's my duty to be slim. इसने कमाल किया, मैंने इसको मोटी मोटली देखा था, ऐसी खूबसूरत हो गई है ये बच्ची, इतनी यंग लग रही है यंग, लेकिन और यंग लग रही है। एक्चुअली सिर्फ वेट लॉस की बात नहीं, नॉर्मली ऑफिस में भी और जो वर्कशॉप्स भी हम लोग करते हैं, साड़ियों में रहना हमारा प्रोफेशनल हिस्सा है, लेकिन जब कभी कभार फैमिली के साथ होते हैं तो थोड़ा सा चेंज भी अच्छा लगता है। होप इट डजंट कम टू पीपल एज अ कल्चरल शॉक। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बाय। देयर्स अ थिएटर ग्रुप कॉल्ड जागृति व्हिच यू नो आई हैव ग्रोन अप वाचिंग एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ अननोइंगली, सो आई डिड थिएटर सिंस आई वाज दिस हाई एंड ही इज रिस्पांसिबल फॉर दैट, ही डजंट इवन प्रोबब्ली नो that unknowingly he's been my teacher somewhere. Sir, aap kya kehna chahenge? I'm proud of her. Proud of her. Thank you. Blessings unki beti ke liye kuch dena chahenge? Nahi. Unki beti ke liye koi blessings dena chahenge? Khoob palo phulo bete. All the best. Thank you so much.
रोलिंग ओके सो सबसे पहले तो मैम बता दें बहुत सुंदर लग रही हैं आप थैंक यू और कितनी तैयारियां संगीत के लिए करके आई हैं तैयारियां पहले तो अपने आप को तैयार कर दिया बहुत पुराना और बहुत प्यारा बॉन्ड है इसे समझिए मेरी अपनी बहन की शादी है और हम लोग एज एक्ट्रेसेस तो जानते हैं लेकिन उसके अलावा बैठ के साग मक्की की रोटी भी खाते हैं कभी कभी और वैसे भी मिलजुल लेते हैं सो इट्स शी इज अ डियर फ्रेंड ओके अपने लुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे लुक की मैं खुद ही डिज़ाइनर हूँ तो मैंने अपनी लुक खुद ही डिज़ाइन की हुई है I'm wearing a dhoti sari, velvet for this season, with velvet jadav jewelry. Okay, lastly, Sabina ke liye kya wishes hai? Sahiba is like my own child and I would wish her a very, very happy married life. जो बेटी जो होती है ना हर एक की बेटी के लिए मेरी एक ही दुआ है कि जिसकी बेटी खुश वो खुश थैंक यू मैम की बेटी की यू नो संगीत सेरेमनी है तो क्या कहना चाहेंगे आज की संगीत सेरेमनी सबसे पहले तो उनको अरे भाई तू यार सुन नहीं रहा विशिंग और ग्रेट ग्रेट इनिंग्स इन योर इनिंग्स इन योर लाइफ बेस्ट विशेस टू मेरी एंड हम सब बहुत खुश थे यार लाइक फैमिली शॉट टुगेदर सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड एक बहुत ही मज़ेदार शाम के लिए एंड इट्स नाइस यू नो बिकॉज ऐसा जनरली हम जब बॉम्बे में शूटिंग वगैरह नॉर्मल पावन तो जनरली हो रहा है दिस इज ऑल्सो पार्टी के साथ साथ बहुत सुंदर लग रही है सिंपल बहुत अच्छी लग रही है तो आज के शाम के लिए क्या खास तैयारी की थी लुक के मामले में कुछ ज़्यादा खास नहीं अभी नीरू जी ने ऑफकोर्स हर चीज़ के लिए But you know, I like to be comfortable in what I wear and I think my style statement is always consistent. And I don't know, psychologically जो होता है मुझे opposite करना होता है जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि लोग you know, bright colors and playing, I like to wear more matte. So yeah, I mean, I love my silver jewelry, so I love my orange, most pink, bangles, and for a skirt with a checkered shirt. ओके पंजाबियों की शादी है तो संगीत कैसा एक्सपेक्ट कर रही है वेरी ऑनेस्टली मेरी बार एक पंजाबी की शादी मैं अटेंड करने वाली हूँ और माई आइडिया इज जो हम फिल्मों में देखते हैं सो ऑब्वियसली दे हैव दोस बिग फैट वेडिंग्स एंड यू नो बहुत ही उदार मन के होते हैं आई एम एज आई सेड मैं तो आई एम वेटिंग कि इट्स गोइंग टू बी रियली फन इवनिंग विद लॉट्स ऑफ म्यूजिक एंड लास्टली साहिबा के लिए क्या कहना चाहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू साहिबा एंड शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल लीलूजीज गर्ल लीलूजीज एज ब्यूटीफुल सो her daughter also not only the way they look they are beautiful people Neeluji is like an elder a guardian for me and in Bombay so my best wishes Sahiba all the very best may this new lead in your life be bring lots of happiness in 2019 aapke fans ke liye kya naya kuch leke aane wala hai I am just doing a cameo for a show which I'm not supposed to talk about here. They have the on air aa jayega so fans will see me there एंड या आई मीन ऑब्वियसली मन तो यही है कि खूब सारा काम करे एंड माई शो का इंसानी जस्ट रैप्ड अप सो फैंस ऑब्वियसली दुखी है बट आई एम प्रॉमिसिंग कि आई विल कम बैक सून विद समथिंग थैंक यू सो मच एक शो मैम थैंक यू अंदर तेरा सही अच्छा अच्छा एक मिनट कब से तैयारियां कर रही हैं एंड मतलब जोशो खरोश के साथ और आज वो आखिर दिन आ ही गया है कि साहिबा की संगीत है कॉकटेल है एंड आई विश द होल फैमिली लोड्स एंड लोड्स एंड लोड्स ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस ओके नीलू मैम के साथ में अगर बात करें तो कैसा रिश्ता शेयर करती हैं अरे
के साथ हम विरासत के ज़माने से दोस्ती है. बीच में थोड़ा सा रिश्ता टूट गया था, एज इन छूट गए थे, फिर मिल गए और रिश्ता और प्रगाढ़ हो गया. सो शी इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग. उनके पति जी जो हैं वो बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारी फैमिली है. ये दिल के बहुत ही प्यारे बच्चे हैं सारे के सारे. नीलू जी, उनके हस्बैंड, एवरीबडी, दे आर रियली रियली वेरी नाइस पीपल एंड आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद देम. आज की शाम की लुक के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या? मैं कॉकटेल वाली आई हूँ. मैं कॉकटेल के लिए आई हूँ. संगीत. Though I'm hardly a drinker, but yes, it's so much fun. Combined है, it's मतलब अच्छा है. Okay, last. मतलब पंजाबी शादी में मैंने कभी शिरकत नहीं की है. और इनफैक्ट मैं शादी में नहीं रहूँगी. आज ही मैं शरीक हो पा रही हूँ बिकॉज मेरे नेवी की शादी लखनऊ में हुई है. सो आई विल बी फ्लाइंग ऑफ टुमारो टू अटेंड द रिसेप्शन. सो आज अमिता जी, माय गॉड की कसम, कितने साल बाद मिले हैं. इधर आ जा जानवर. हाउ आर यू अमिता जी? मेरे बाद उनकी बारी. साथी में कर लेते हैं. अब आई है तो कितने बात मिली है आप. जमाने भर बाद यार. एंड शी इज एज मैं क्यों स्टॉप रिमेंबरिंग हूं. यू आर एज गॉर्जियस एज एवर. हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, गुड. आप कितनी तैयारियां करके आई हैं आज के शाम के लिए? तैयारी तो कुछ खास नहीं की है, पर आई लव अ ब्लाउज. जस्ट लाइक आई हैव गॉट गुड विशेस फॉर नीलू. ओके मैम, लास्टली आप क्या विश करना चाहेंगी? जिंदगी बहुत ही खूबसूरत गुजरे. हमेशा एक समान नहीं होता है, तो क्या हुआ, बना लेना पड़ता है ना. अच्छा, सुंदर, खूबसूरत, कोशिश करनी पड़ती है. कोशिश करते रहो, पहुंच जाओगे. हम लोगों ने तो छलांग मारी है, इससे नहीं मारी और वो मारने जा रही है. सो विश यू ऑल द लक. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. भैया मैम लुक या मैम सोलो पिक्चर आती है. मैम हो गया संगीत सेरेमनी है तो क्या कहना चाहिए? See, Neelu ji is very, very close to us. We had done a serial together called Geet, where she played my Parjai. Parjai is Bhabi in Punjabi. So since that day, I have been calling her Parjai. So this is actually Parjai ki beti ki shaadi. So I'm very, very excited because we've seen Saiba grow in front of us. And we really, wo din aa gaya hai when she is going to be married, which is, bahut hi, it's a very mixed feeling, but we are very, very happy for her because she's a very good child. And we extremely love her. We are very fond of her. She is very pretty. So it's actually, we are very excited to be a part of this ceremony. Ma'am, aap kya kehna chahenge? She's like my elder sister. Always there for me. So it's like family ki shaadi hai. Ghar ki beti ki shaadi hai. To bahut actually emotional time hai. To we are feeling ke... अब एक हमारे घर की बेटी जा रही है, लेकिन आजकल के जमाने में जाती नहीं है. इट्स अ हैप्पी टाइम. इट्स अ हैप्पी टाइम, टाइम टू सेलिब्रेट. ओके, उसके अलावा आज के शाम के लिए क्या कुछ खास तैयारियां की हैं? क्योंकि मैं बता दूं, दोनों भी बहुत सुंदर लग रही हैं. तो क्या खास तैयारियां करके आएंगे? अपने लुक के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली फॉर अ कॉकटेल आई वाज वेरी वेरी कंफ्यूज्ड एज टू व्हाट टू वेयर, यू नो, बिकॉज़ गर्ल्स हैव दिस थिंग, यू नो, दे आर नेवर श्योर अबाउट एनीथिंग. But then for especially for this thing, there's a very nice sari which I finally selected. It's a total black and silver combination, and I didn't want to go too gaudy, so I'm not wearing a neck piece. I'm just wearing these little heavy jhumkas and a very Bengali look because I'm from Calcutta, so wo Bengali pan kahin na kahin to jhalkega. So I've dressed up like
मैम आप क्या कहना चाहेंगे अपने लुक के बारे में? मेरा लुक एक्चुअली आई वॉज नॉट श्योर बिकॉज आई वॉज शूटिंग, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था डिसाइड करने का, बट लकीली सेल्फ डिज़ाइन मेरा मुझे मेरे घर से मिल गया है, सो आई एम वेयरिंग दैट एंड आई थिंक इट्स लुकिंग नाइस. ओके, बिसाइड्स यू नो साहिबा की संगीत सेरेमनी है, तो शादी हो जाएगी, तो क्या विश करना चाहेंगे आप? क्या विश करना चाहेंगे? Well, of course, we wish a very happy, joyful married life. Yes, I mean, I really want this institution of marriage to be alive, you know, because aap itne sari cheeze sunte hain, to bahut sari, you know, inhibitions aate hain man mein. But I really pray that it works out. I believe in a institution of marriage and I really wish her that the way we all are happy in life, I wish she could also be always very happy and cheerful. She will be. She will be. Thank you so much. Thanks. सबसे पहले तो जानना चाहेंगे नीलू मैम की बेटी की संगीत सेरेमनी है, तो कितने एक्साइटमेंट है और क्या कहना चाहेंगे? बहुत एक्साइटमेंट है और मज़ेदार सी शादी है. एक गुजराती मुंडा है और लड़की जो है वो पंजाबी है, सरदारनी है, तो बहुत ही कमाल का फ्यूजन मिश्रण है. शाम शो और बल्ले बल्ले भी होगी और पता नहीं गरबा गुरबा भी हो सकता है. आप क्या कहना चाहेंगे? भाई यही कहना चाहेंगे कि भाई ये जो, क्योंकि क्या है कि हम नीलू जी को अच्छे से जानते भी हैं, हम लोगों के साथ काम किया हुआ है और उनकी बेटी की शादी है, तो बड़ी खुशी की बात है. जैसा कि श्रुति ने बताया कि गरबा भी हो सकता है अंदर, तो हम सब तैयार करके आए हैं. दाल पता नहीं मिर्ची वाली मिलेगी कि मीठी मिलेगी. हाँ. तो अगर क्या कहते हैं, तो जो भी हमारे पे जैसा ये लोग हमसे पेश आएंगे, हम वैसा ही बिहेव करेंगे. ये बोलेंगे गरबा करो तो अंदर गरबा करने लगेंगे, भांगड़ा करो तो भांगड़ा करने लगेंगे. स्पेशल परफॉर्मेंस आज की शाम के लिए कुछ तैयारियां की है? स्पेशल परफॉर्मेंस नहीं है, हम लोग तो बस जो बोलेगा शुरू हो जाते हैं, कलाकार ऐसे ही होते हैं. भांड लोग ऐसे ही होते हैं, जहां जहां मंच मिले वहां शुरू होते हैं. हां, बोलेंगे हम वहीं शुरू कर देंगे. सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे बहुत सुंदर लग रही हैं आप. थैंक यू. क्या खास तैयारी की थी आज अपने इस लुक के लिए? मैं संजय जी को यही बोल रही थी कि मैंने ऐसी कुछ तैयारी नहीं की है, है कॉकटेल और मैं बहुत ही देसी बन के आई हूँ. आई एम जस्ट वेरी सिंपली ड्रेस्ड, कॉटन है. अच्छा, आप सब नीचे चले गए. सिंपल यट ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस शी इज ऑलवेज ऑलवेज. आई वेयर माय स्माइल मोर, दैट्स माय होल थिंग. यस. आप क्या कहना चाहेंगे सर आज की शाम के लिए, क्या तैयारियां? हमने कोई तैयारियां नहीं की, बस ये जो कपड़े थे हमारे पास में सामने दिखे, हमने पहन लिए. हमें लगा कि भाई श्रुति साथ में आ रही है, तो वैसे कोई हमें देखेगा ही नहीं, श्रुति कोई सब देखेंगे, तो इसीलिए हमने कहा कि अब कुछ भी पहन लो, उससे कुछ नहीं होगा. ओके, नीलू मैम के साथ कितना स्ट्रॉन्ग रिश्ता शेयर कर रहे हैं? आई आई पर्सनली नो नीलू भाभी सिंस, दैट्स व्हाई कॉल्ड नीलू भाभी. आई नो हर सिंस द पास्ट ऑलमोस्ट 22 इयर्स. एंड मैं बहुत छोटी थी जब मैं मुंबई आई थी, तो मैं उनके घर ही गई थी. मैंने बहुत राजमा चावल खाया उनके घर का. मैं उन्हें तब से जानती हूँ, लेकिन काम करने का जो मौका था वो हमें अभी डेढ़ साल दो साल पहले ही मिला नामकरण में. सो वी काइंड ऑफ क्लिक्ड अगेन. एंड घर की ही शादी है आप कह सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और क्या नीलू जी अभी लास्ट शो में हमारे साथ में नामकरण में हम लोगों की माँ बनी हुई थी नीलू जी. हाँ, मेरी सास बनी हुई थी इनकी, श्रुति की. सो डेफिनेटली बहुत कमाल का बॉन्डिंग है एंड वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन. इट्स अ फैमिली थिंग. एंड बहुत सारी शुभकामनाएं साहिबा को और उनके पतिदेव को, पतिदेव को जो होने वाले हैं. और हम तो यही चाहेंगे कि उनका सफर जो है बहुत ही सुहाना और बहुत ही प्यारा. यस, ताज मारा है आपने भैया, ये देखा आपने? जरा एक बार इधर नजर मार लीजिएगा.
अब कोई कह सकता है कि साहिबा की शादी है? पीछे 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 मैं हमेशा जब मेरा पहला शो था शास्त्री सिस्टर्स तो मेरी सबसे स्टाइलिश एंड सबसे गॉर्जियस सासुमा थी है. इनसे हम लोग मतलब इंस्पिरेशन लेते हैं फॉर नेल्स और वो मैंने भी इनसे ही सीखा है नेल्स करना. तो शी ऑलवेज इंस्पायर्स अस तो और बहुत ही अच्छी लग रहा है. आई एम रियली हैप्पी फॉर साहिबा एंड शी इज गेटिंग मैरिड एंड अपने लुक के बारे में क्या कहना चाहिए? चलो मैं बहुत ही सिंपल एक अरे पीछे आओ ना इंडियन ड्रेस पे आई हूँ. ज़्यादा टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं शूट पे गई थी तो दैट्स व्हाट. ओके बहुत सुंदर लग रही है बता दें आपको. उसके अलावा नीलू मैम के साथ में कैसा रिश्ता शेयर? बहुत ही ज़्यादा. आई कॉल हर सॉफ्टी बिकॉज शी इज़ वेरी चम्पी चम्पी एंड क्यूटी क्यूटी एंड शी इज़ अ वन हू ऑलवेज मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी क्योंकि मेरा पहला शो था. आई वॉज न्यू कमर दैट टाइम शास्त्री सिस्टर्स में. तो वो एक अलग इमोशनल अटैचमेंट है उनके साथ तो वो कहीं भी बुलाए कभी भी बुलाए ऐसा नहीं आई ओके शी इज़ देयर फॉर मी टू. थैंक यू. तजिंदर अभी आपके घर में भी शादी हुई है और ना आपके भाई की और अभी यहाँ पे नीलू मैम की बेटी साहिबा की भी शादी है. हाउ मच यू एक्साइटेड और क्या रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं लाइक सिस्टर एंड कैसा आपको बॉन्डिंग है एंड हाउ यू फीलिंग? अरे कैमरा ऐसा है कि नीलू बोली जी और उनका परिवार एक हमारे परिवार जैसा है और साहिबा मेरी बहन है और नीलू बोली जी ने जो नाम कमाया इंडस्ट्री में तो इंस्पायर करते हुए उनकी बेटी भी अपने करियर में अच्छा कर रही है. बेस्ट विशेस परिवार के साथ में और वी आर लाइक फैमिली एंड आई विल एंजॉय ऑल द इवेंट्स. तो आज क्या धमाल और क्या मस्ती होने वाली है? पंजाबी पंजाबी कनेक्शन होने वाला है डेफिनेटली. जब घर का फंक्शन है तो उसमें सोचने वाली बात नहीं है. दिल खोल के नाचेंगे और पूरी तरह सब एंजॉय करेंगे और बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स मुंबई में जो होने वाले हैं नीरू मोदी जी के. थैंक यू सो मच. बता दें कि आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं और नीलू जी की बेटी की संगीत सेरेमनी है तो क्या कहना चाहेंगे आज की शाम के लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं नीलू को बहुत सालों से जानती हूँ. मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है. साहिबा को मैं बहुत सालों से गैन जानती हूँ. मेरी बेटी जैसी है. मैं विश करना चाहती हूँ कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी खुशहाल रहे एंड शी हैज़ अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ एंड आई विश फॉर टू विश द होल फैमिली कांग्रेचुलेशंस एंड गॉड ब्लेस. ओके पंजाबी वेडिंग है बिग फैट वेडिंग जिस तरीके से हम बोलते हैं पंजाबियों की शादी में खाना डांस सब. तो आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रही है आज अंदर? मैंने नीलू के बेटे की भी शादी अटेंड की थी तो बहुत धमाल की थी हम सब ने तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रही हूँ. ओके नीलू मैम के साथ कैसा रिश्ता शेयर करती है? मेरी वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स. मैं आई डोंट इवन रिमेंबर आई थिंक 15-16 सालों से जानती हूँ एंड हम रेगुलरली टच में हैं. तो ऐसा नहीं है कि शो खत्म हो गया और भूल गए. हमने बहुत काम साथ में भी किया हुआ है सो आई एम वेरी क्लोज टू द होल फैमिली. ओके लास्टली क्या कहना चाहेंगे फैंस से? ये कहना चाहूँगी मेरा शो कुंडली भाग्य देखते रहिए एंड कीप ऑन लविंग अस. आई नो मुझसे सब लोग नफरत मेरे कैरेक्टर से सब लोग नफरत कर रहे हैं बट आई डोंट थिंक आई एम सच अ बैड पर्सन इन रियल लाइफ. Thank you so much. Ma'am, thank you. Nice. Ma'am, wait a minute, ma'am. Visuals. Just a second, huh?